नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और आज न्यूज नशा में हम बात करेंगे नवाब मलिक की। नवाब मलिक याद होंगे आपको, वही नवाब मलिक जो कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री थे, वही नवाब मलिक जो कि शरद पवार की एनसीपी के प्रवक्ता थे, और वही नवाब मलिक जिनकी की नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ तनातनी चल रही थी। आपको याद होगा कि अब से साल डेढ़ साल पहले जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था, तो नवाब मलिक उनके खिलाफ काफी मुखर थे और उन्होंने सीधे तौर पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर आरोप लगाया था कि आर्यन खान को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी का उद्देश्य जबरन उगाही है। इसके बाद पिछले साल फरवरी में नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दाऊद के लोगों के साथ लेनदेन के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक कुछ वक्त तक जेल में रहे और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। बताया जाता है कि उनको किडनी की समस्या उत्पन्न हो गई और वे अस्पताल में भर्ती करा दिए गए। इस बीच उनकी ओर से तमाम अदालतों में, जो ईडी की अदालत थी उसके बाद ऊपरी अदालत में, लगातार जमानत अर्जियां दाखिल की गई, लेकिन हर बार उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई। अब जाकर बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है हेल्थ ग्राउंड पर, और वो भी 2 महीनों के लिए। अब तक नवाब मलिक जो है बाहर नहीं आए हैं, कुर्ला के क्रिटिकेयर अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद उसे यहां की ईडी अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद ये जेल में जाएगी अर्जी और फिर उनकी रिहाई होगी, वे अपने घर जा सकेंगे। लेकिन यहां पर अब सबसे बड़ा सवाल जो है महाराष्ट्र के सियासी हलकों में नवाब मलिक को लेकर यह उठ रहा है कि आखिर नवाब मलिक किस करवट बैठेंगे, क्योंकि जब नवाब मलिक जेल गए थे, जब उनकी गिरफ्तारी हुई, तब एनसीपी में बगावत नहीं हुई थी। एनसीपी एक ही पार्टी थी शरद पवार के नेतृत्व में, लेकिन इसी साल एनसीपी दो फाड़ हो गई। अजीत पवार ने जून के महीने में ही एनसीपी में बगावत कर दी। अब सवाल ये उठता है कि नवाब मलिक किसके साथ होंगे, वो शरद पवार के साथ होंगे या फिर अजीत पवार के साथ में होंगे। नवाब मलिक की इमेज जो है एक शरद पवार के वफादार नेता की रही है और शरद पवार की देखरेख में ही एनसीपी में उनकी ग्रोथ हुई, एनसीपी में ही वे बड़े पद तक पहुंचे और मंत्री भी बने। लेकिन अब जो बदले हुए समीकरण है, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नवाब मलिक किस तरफ जाते हैं। जब उनको जमानत मिलने की खबर आई तो उसके बाद एनसीपी के दोनों ही धड़ों के नेताओं ने दावा किया कि नवाब मलिक उनके साथ में हैं। अजीत पवार धड़े की ओर से कहा गया कि नवाब मलिक उनके साथ रहेंगे क्योंकि असली एनसीपी उन्हीं की है, ऐसा उनका दावा है। जबकि शरद पवार के धड़े का कहना था कि नवाब मलिक उनके प्रति ही वफादार हैं। हालांकि अब तक इस पूरे मामले में नवाब मलिक की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ये अब तक सामने नहीं आया है कि आखिर नवाब मलिक किसके सामने जाने वाले हैं, किसके साथ जाने वाले हैं। यहां पर एक और बात देखने लायक है कि सियासी हलकों में इस बात की भी खबर चल रही है कि लगातार अजीत पवार का धड़ा उन लोगों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहा है जो अभी भी शरद पवार के साथ में बने हुए हैं, जो अभी भी शरद पवार के साथ वफादार हैं। इनमें से एक बड़ा नाम है जयंत पाटिल का। उनके नाम की बड़ी जोरों से चर्चा है कि जयंत पाटिल, जो कि शरद पवार के वफादार हैं और महाराष्ट्र एनसीपी के प्रमुख रहे हैं, उनको अब अजीत पवार का खेमा अपने साथ लेने के लिए मना रहा है, इस तरह के प्रयास कर रहा है। हालांकि जयंत पाटिल जो है अब तक इस बात को खारिज करते हुए आए हैं, लेकिन इस तरह की कोशिशें जारी हैं, ये बात सही है। इसके अलावा ना केवल जयंत पाटिल बल्कि खुद शरद पवार को भी मनाने की कोशिश की जा रही है कि जो फैसला अजीत पवार ने लिया है उस फैसले को वो माने और फिर से एकजुट हो जाएं। और अजीत पवार ने जिस तरह से बीजेपी के साथ सत्ता साझा की है, वहां पर मुख्यमंत्री बन गए और अपने वफादार विधायकों को मंत्री बनाया है, तो उसको वो सहमति दे दें और फिर से एनसीपी एक हो सकती है। इसके लिए कई बार अजीत पवार की
शरद पवार के साथ बैठक भी हुई, उनको मनाने की कोशिश भी की गई, और सबसे ताजा बैठक जो है अब से दो दिन पहले बताया जाता है कि हुई है, पुणे में ये बैठक हो रही थी जहां पर शरद पवार से अजीत पवार मिले। लेकिन इसके बाद सियासी माहौल गर्म हो गया और शिवसेना और कांग्रेस जो महाविकास आघाड़ी के जो बाकी के जो दोनों घटक दल हैं उनके बीच बेचैनी पैदा हो गई। शिवसेना पहले से ही कह चुकी है कि शरद पवार जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उससे बड़ी ही उलझन पैदा होती है, उससे कंफ्यूजन पैदा होता है। आपको याद होगा कि अब से दो हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे में आए थे लोकमान्य तिलक पुरस्कार लेने के लिए, और उस वक्त शरद पवार भी उस मंच पर मौजूद थे। कांग्रेस और शिवसेना ठाकरे गुट की ओर से कहा गया था कि शरद पवार वहां पर ना जाएं, लेकिन इसके बावजूद शरद पवार ने वहां जाने का फैसला किया था और उनके इस फैसले का शिवसेना ठाकरे गुट ने अपने अखबार सामना में पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि शरद पवार की हरकतों से उलझन पैदा होती है। तो अभी भी जब अजीत पवार और शरद पवार के बीच ये मुलाकात हुई तो उसके बाद कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से जाकर मुलाकात की और उसके बाद में बयान दिया कि इस तरह से ये जो मुलाकातें हो रही हैं उससे संदेह उत्पन्न होता है और इस मामले में क्लैरिटी आनी जरूरी है। ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि शरद पवार बीजेपी के खिलाफ जो राष्ट्रीय मोर्चा बना है इंडिया का, उस मोर्चा के भी एक बड़े चेहरे हैं, उस मोर्चे को बनाने में भी उन्होंने भूमिका निभाई है। लेकिन हाल के कुछ वक्त में शरद पवार के व्यवहार में थोड़ा सा कुछ अलग होता दिखा। शरद पवार जब पिछली मीटिंग हुई बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की तो उस मीटिंग के दूसरे दिन गए थे और वहां पर उन्होंने कोई बात नहीं की। इसके अलावा दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि शरद पवार खुलकर अब अजीत पवार या उनके खेमे के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि जो पुणे में मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने इस बात का खुलासा किया, अपनी ओर से सफाई में ये कहा कि मैं पवार परिवार में सबसे बड़ा हूं और इसलिए एक परिजन होने के नाते अजीत पवार ने आकर मुझसे मुलाकात की थी और उसमें कोई सियासी मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं घटनाक्रम भी जो है दिलचस्प होते जा रहा है और सबकी निगाहें अब इस सवाल पर लगी हुई है कि क्या आखिरकार जयंत पाटिल और या फिर खुद शरद पवार भी जाकर अजीत पवार से हाथ मिला लेंगे और एनसीपी क्या फिर से एक हो पाएगी। तो आज के न्यूज नशा में इतना ही। महाराष्ट्र से जुड़ी बाकी खबरों और विवेचना के लिए देखते रहिए न्यूज नशा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।